हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों बात करते हैं फिल्म जर्सी की, जो आज यानी कि 22 अप्रैल 2022 को हो चुकी है रिलीज। और इस फिल्म में शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस की हर कोई दाद दे रहा है। हर ओर शाहिद कपूर की ही चर्चा हो रही है आज के दिन। शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। साथ ही बात करें मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर की, तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है फिल्म को, और हर जगह से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों इंडस्ट्री के लोग भी शाहिद की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीती रात यानी कि 21 अप्रैल को शाहिद ने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी, जहां काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ पहुंचे थे। उसके साथ ही शाहिद को सबने अपनी इंस्टा स्टोरी पर बधाइयां दी हैं और उनकी आने वाली फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक भी कहा है। और दोस्तों शाहिद ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पे अपने सभी दोस्तों को थैंक यू बोला है। दोस्तों इसमें सबसे मज़ेदार पोस्ट कियारा आडवाणी का रहा है, जिस पर शाहिद कपूर ने काफ़ी अनोखे अंदाज से रिप्लाई किया है, जिसकी वजह से सभी की नज़र उन पर आ टिकी है। दरअसल दोस्तों कियारा ने फिल्म रिलीज से पहले ही शाहिद और उसकी पूरी टीम को इस फिल्म के लिए बेस्ट विशेस दी थी, और साथ ही इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर भी वह पहुंची थी। शाहिद ने वाइफ मीरा कपूर और भाई ईशान खट्टर को भी उनकी बधाइयों के लिए थैंक यू कहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहा है कियारा आडवाणी ने। दरअसल कियारा आडवाणी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा था, मेरे प्यारे एसके, तुम बहुत खास हो, तुम्हें अर्जुन के रोल में देखना जादुई है, तुमने कमाल कर दिया है, और जर्सी कल रिलीज हो रही है तो पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों आपको बता दें कि इन बधाइयों में बाकी नाम मीरा कपूर, ईशान खट्टर, कृति सैनन इन सभी के हैं, लेकिन शाहिद ने सिर्फ कियारा को बड़े अनोखे अंदाज से रिप्लाई किया है। शाहिद ने कियारा आडवाणी को रिप्लाई करते हुए लिखा है, मेरी प्यारी प्रीति, तुम्हारे शब्द हमेशा कबीर के दिल में रहेंगे, तो मेरी बंदी है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले शाहिद कपूर कियारा आडवाणी के साथ फिल्म कबीर सिंह में नजर आए थे, और ये उसी फिल्म का बहुत ही ज्यादा फेमस डायलॉग है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म की रीमेक है, जिसमें शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हुई है। इसके साथ ही आप इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ पंकज कपूर को भी देखेंगे। दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक क्रिकेटर के जीवन पर आधारित है, जो अपने 30s में अपनी क्रिकेट फील्ड में वापसी करता है। इस फिल्म को फैन से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और साथ ही ट्विटर पर भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। इस फिल्म की रिलीज काफ़ी टाइम से टलती नजर आ रही थी, लेकिन अब फाइनली ये फिल्म 22 अप्रैल 2022 को रिलीज हो गई है। दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।